नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये पॉम-पॉम बनाने बताऊंगी जो दिल के आकार का होगा और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसको जो है आप झालर के में टांग सकते हैं या आप पर्दा के ऊपर में आप ये पूरा बढ़िया से बना करके दरवाजे में टांग सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। या आप इसको इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर एक चूड़ी का यूज किए हैं। देखिए ये चूड़ी है और चूड़ी में जो है इसको हम अच्छे तरह से ऐसे पहले एक इस तरह से पकड़ लेंगे और इसको यहाँ पर से हम घुमाते जाएंगे। देखिए इस तरह से इसको जो है हम लगभग 60 बार घुमाएंगे। यहाँ देखिए हम 60 बार घुमा चुके हैं। ये 60 फंदा डालने के बाद हम इस धागे को यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद हम यहाँ पर देखिए एक धागा को सुई में डाल के रखे हैं। नहीं भी डालने के बाद इसको इधर से डाल करके और इधर से डाल करके आप इसको निकाल लीजिए और इस पे एक गांठ लगा दीजिए। बिल्कुल बीच में गांठ लगाना है, ऐसे देखिए, और इसको बहुत ही इसको बिल्कुल बीच में लगाइए और बहुत ही टाइट करके इसको बांध दीजिए। देखिए इस तरह से टाइट कर दीजिए। ये ऊन है इसलिए इसको टाइट करके तुरंत जो है दूसरा गांठ भी देना होगा। इसको दबा करके दूसरा गांठ भी डाल दीजिए। फिर आप इसको पलटा करके इस ओर लाइए और इस ओर में भी ऐसे गांठ डाल दीजिए। इस गांठ को पूरा टाइट कर देना है ताकि जो है ये ढीला ना हो और हमारा ऊन खुले नहीं। जब ये गांठ आप डाल देंगे तो इस धागे को भी आप ऐसे काट दीजिए। देखिए इसको हम अलग कर देंगे। अब इसको हम धीरे धीरे चूड़ी से उतार लेंगे। सॉरी, इसको उतारना नहीं है, इसको जो है धीरे धीरे इसको कैंची से डाल करके इसको निकालते जाइए और ऐसे कट करते जाइए। ये ऐसे धीरे धीरे उतारते हुए इसको कट करते जाना है। पूरे को कट कर देना है। ये देखिए हम यहां पर पूरे को कट कर दिए हैं। ये इधर से निकल गया है। अब हम इधर से भी इसको कट कर देंगे। इसको भी ऐसे डाल डाल करके कट करते जाएंगे। ये पूरे जितने हैं इसको हम कट कर देंगे। देखिए ये कट कर देने के बाद ये हमारा चूड़ी से निकल जाएगा। अब हम चूड़ी को अलग कर देंगे। इसको जो है हम पूरा अच्छे से इसको हम फैला देंगे। इसको हम बीच में रख करके इसको ऐसे और अच्छे से इसको फैला देंगे। अगर धागा नहीं कटा हो, इसमें तो नहीं कटने का, ये पूरा कट ही जाता है, तो ऐसे आपको फैला देना है। अब देखिए इसमें एक कागज का आपको दिल आकार का बना लेना है। इसको देखिए एक कंघी लेकर के इसको अच्छे से ऐसे देखिए इस तरह से कर दीजिए तो ये जितना भी धागा है सीधा हो जाएगा और
खुल भी जाएगा। ये हमारा पतला पतला ऊन का धागा था, इसलिए ये इस तरह से हो गया है। अब देखिए ये इस तरह से बन गया है। अब इसको जो है आप सेफ डालिए। ये हम दिल का पहले से ही बना लिए हैं, दिल आकार का, और इस पे हम अब इसको रख देंगे। रखने के बाद इसको हम देखिए इसको हम यहाँ से कट करेंगे और सेव करते जाएंगे। जो बड़े धागे हैं उसको हम काट करके छोटा कर देंगे। इधर से भी हम वही करेंगे, जो बड़ा धागा है उसको हम छोटा करके बराबर कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से ये दिल के आकार का बन जाता है। तो दोस्तों इसको अब हम इसको आप थोड़ा सा खोल दें, देखिए फैला दें, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। इस तरह से इसको फैला दें। अब इस पे आप डेकोरेट कर सकते हैं, इस पे आप किसी भी कोई मोती या आप कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको मोती डेकोरेट करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पहले से बना के रखा है, इस पे हम स्टोन, इसको स्टोन लगा के रखे हैं। अब हम इस पे मोती लगा के आपको दिखाते हैं। इस पे देखिए हम यहाँ पर बीच से लगाना शुरू करते हैं और इसको हम सीधा से निकाल लेते हैं, आगे से यहाँ से, यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा ये टांगने वाला भी बन जाएगा और ये मोती भी लग जाएगा। देखिए इस तरह से हम मोती लगा देंगे और ये यहाँ पर ऐसे हम इसको टांग सकते हैं। तो ये हमारा दिल आकार का ये डिजाइन बन गया है। दोस्तों ये देखिए हमारा खूबसूरत सा पॉपम बन करके तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।